ओम शांति। 19 मार्च बाबा याद दिला रहे हैं, वर्तमान समय है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में तुम हीरे तुल्य बनते हो। तो जब हम पर्चों पर लिखते हैं हम प्राय संगम युग लिख देते हैं, लेकिन बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग तुम्हें लिखना है, क्योंकि तुम उत्तम पुरुष बनते हो। फिर याद दिलाते हैं तुम उत्तम पुरुष थे, तुम देवी देवता थे, संपूर्ण पवित्र थे, सुख शांति का स्वराज था, तब सब कुछ खुशहाल था, चेहरों पर तेज और दिव्यता थी। तो पुरुषोत्तम शब्द को भूलना नहीं है। बाबा कह रहे हैं संगम युग को भी तुम भूलो नहीं। संगम युग को भूल गए तो पुरुषार्थ भूल जाएगा। यही समय है अपने को श्रेष्ठ पुरुष बनाने का, पवित्र बनाने का। पवित्रता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, अपवित्रता ने ही सारा खेल बिगाड़ा है। बाबा विशेष याद दिला रहे हैं, गीता पाठी पढ़ते हैं काम महाशत्रु है, पर कोई भी ये नहीं कहता कि इस काम पर जीत पाओ। और यही कारण है कि और जो मठपंत होते हैं, देखो गुरु आते हैं, फटाफट उनकी वृद्धि होती है, लाखों में उनके शिष्य हो जाते हैं 5-10 साल में ही। भीड़ होने लगती है क्योंकि न तो वहां खान पान की परहेज, न कोई ये कहेगा शराब न पियो, नॉन वेज न खाओ, पवित्रता का तो प्रश्न ही नहीं है। अगर वो कह दें कि पवित्र बनो तो शायद उनके पास आने वाला कोई भी न रहे। और बाबा तो हमें मनुष्य देवता बनाते हैं, इसलिए सबसे पहले कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत पानी है। और इसको तुम जीत सकते हो योग बल से। योग सिखाते हैं बाबा स्वयं आकर, मेरे से बुद्धि योग कैसे लगाओ। योग से तुम्हारा किचरा साफ होगा, योग से तुम पावन बनेंगे, योग से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, योग से तुम्हारी कमियां निकलेंगी। ये योग बल है जिससे इस संसार में देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। कोई भी ये नहीं जानता कि ये देवी देवता धर्म था और ये किसने स्थापित किया था। अब से 2500 साल पहले से ड्रामा में ये पाठ था, बुद्ध धर्म स्थापित हुआ, मुस्लिम धर्म स्थापित हुआ, क्रिश्चियन धर्म स्थापित हुआ, ये सब इनका पाठ था। हर आत्मा का यहाँ अपना अपना पाठ है, लेकिन देवी देवता धर्म किसने स्थापित किया ये किसी को पता भी नहीं है। इसलिए हिंदू कहलाने लगे अपने को, भारत भी इस कारण से हिंदुस्तान कहलाने लगा है। लेकिन ये देवी देवता धर्म सबसे महान था, उसका जो तना है वो आज रहा नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म नाम रह गया। तो उसमें बल भी नहीं रहा। सभी हिंदू धर्म को मानने वालों को जानना चाहिए हम देवी देवता धर्म के थे। जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं वो हम ही थे। तो बाबा अपने बच्चों को पूर्ण महान बनाने के लिए, देवत्व उनमें जगाने के लिए रोज प्यार से शिक्षा देते हैं। शिव बाबा कह रहे देखो ये ब्रह्मा भी बच्चों को बहुत प्यार से संभालते हैं, पूरी खातरी भी करते हैं। बाबा भी सुना रहे हैं मैंने क्या क्या देखा, नशा चढ़ गया मैं श्री लक्ष्मी नारायण बनूंगा, मैं विश्व की बादशाही लूंगा, सब कुछ छोड़ दिया, मुझे वैराग्य आ गया, क्या करना इस धन संपदा से। शिव बाबा ने यज्ञ रच दिया, मैं बच्चों की संभाल करता हूँ। तो बहुत प्यार से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों शिक्षा देते रहते हैं अपने बच्चों को, बच्चे अब कोई भूल ना करो, जन्म जन्म तुम भूले करते आए हो, अब तुम्हें दैवी गुणों से युक्त बनना है, किसी को दुख नहीं दो, इससे तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा हो जाएगा, कभी लड़ाई झगड़ा ना करो, ये जो गंदी आदतें हैं इनको छोड़ दो। बहुत प्यार से सिखाते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते बाबा, न तब करते थे, अब तो सबको पता है, न शिव बाबा न ब्रह्मा बाबा, कितना बड़ा धैर्य है।
83 साल से सिखाते आते हैं, बच्चे ये करो ये ना करो, आत्मविमानी हो जाओ। तो हम सभी बाबा की आज्ञाओं पर चलकर अपने को बहुत महान बनाएंगे। बाबा ने हमारी पालना की है, हम उनकी पालना का रिटर्न देंगे। बहुत प्यार दिया है, हम मानेंगे उनकी बात को। वरदान में विशेष बात है, ये जो विस्मृति का युग था कलयुग द्वापर, वो बीत गया। अब हम सभी संगम युग की श्रेष्ठ स्मृति की अवस्था में आ गए हैं। बाबा ने हमें आते ही याद दिला दिया, तुम हीरे तुल्य हो, तुम बहुत महान हो, तुम हीरो एक्टर हो, तुम महान आत्माएं हो, परम पवित्र हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो। अब इन स्मृतियों में हमें रहना है। ये श्रेष्ठ स्मृतियां हमारी स्थिति को महान बनाएंगी। ये हमारे स्वमान भी हैं, इनसे हमारा अभिमान नष्ट होता जाएगा, हमारे अंदर छुपा हुआ देवत्व जगता जाएगा। हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। ये सहज पुरुषार्थ की विधि भी है। जितना जितना जो आत्मा श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेगी, यानी स्वमान में रहेगी, उतना पुरुषार्थ सहज और स्थिति महान बनती जाएगी। तो योग लगाने की मेहनत भी यदि आपसे नहीं होती, तो चलते फिरते कर्म करते हुए श्रेष्ठ स्मृतियों में रहने का अभ्यास करो। देखिए बहुत अच्छी स्मृति है, ये 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब हमें घर वापिस चलना है, सब कुछ छोड़ना है, बाबा से सब कुछ प्राप्त करके जाना है। इस सृष्टि पर मुझे अब भगवान मिले, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, स्मृति मिलाएं। मैं बहुत महान आत्मा हूँ, भगवान के साथ पार्ट बजाने का श्रेष्ठ भाग्य मिला है, मैं हीरो एक्टर हूँ। इस तरह की स्मृतियों को अपने अंदर लाते रहें, खुशी बहुत रहेगी, स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। सेवाओं में भी हमें हिम्मत की जरूरत होती है, लौकिक कार्यों में भी हिम्मत की जरूरत होती है, और माया के युद्ध में तो बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। हम हिम्मत धारण करें, हमें करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे साथ भगवान है, हम अवश्य करेंगे, तो बाबा की मदद बहुत मिलती जाएगी। तो आज सारा दिन हम याद करेंगे, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर रहने वाली बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरे भाग्य का सितारा स्वयं भगवान ने चमकाया है। और अभ्यास करेंगे बाबा परमधाम से अपनी सर्च लाइट मुझे दे रहे हैं, उसकी सर्च लाइट लगातार आ रही है, हर घंटे में एक बार। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.